तो दोस्तों कचहरी में जो है मटन चिकन फिश ये सभी खाने का जो है काफ़ी तलब होता है। लोग जो यहाँ पे ज़मीन वगैरह लिखवाने आते हैं वो ये सोच के ही आते हैं कि आज जो है चलेगा मटन पार्टी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको लेके आ चुके हैं व्यवहार न्यायालय शेखपुरा। इसी के जस्ट सामने में जो है अशोक होटल है, जहाँ पे दिन भर में जो है कम से कम 30 से 50 केजी नॉनवेज आइटम सेल हो जाता है। यहाँ पे जो है सभी कोई बिजी रहते हैं, इतना ऑर्डर यहाँ पे आता है और लोगों का भीड़ भी ऐसा लगता है ना जैसे एक बार में 10 आदमी 5 आदमी इस तरीके से करके आते हैं और यहाँ पे भीड़ लगाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का मटन मेकिंग, करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। इधर मटन बनने का प्रोसेस चालू है, इधर आ गया प्याज। प्याज जो है अंकल जी बैठ गए हैं बाढ़ में और आराम से यहाँ पे छील रहे हैं। इधर जो है अपना चूल्हा वगैरह जो है जल रहा है, तब से मछली ही फ्राई हो रहा है। लगभग 8 केजी 12 केजी मछली है। अच्छा, और मछली बढ़ गया ना, देर ला रहा आदमी बढ़ रहा। अच्छा, आदमी बढ़ रहा है, खाने वाला बढ़ रहा। अच्छा, तो इधर जो है अपना कोयले वाले आंच पे कढ़ाई सेट हो गया और इधर प्याज जो है कट के रखा हुआ है। तेल कितना तेल गया अंकल? इसमें आधा किलो से ऊपर है, आधा किलो से ज्यादा। 500 550। अच्छा, अब जा रहा है इसमें फोड़न। ये आ गया लाल मिर्च। हमेशा यहाँ पे आप ही मटन बनाते हैं? मैं सब बनाता, कोई भी बना देते हैं तो सभी कोई ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड है। अच्छा, हम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे ये होटल आप ही के नाम पे है ना? हाँ, मेरा नाम अशोक जी, आप ही। हाँ, का नाम, मेरा नाम। अब इसमें जा रहा है ये जीरा। अब ये गया तेजपात। मतलब यहाँ पे जो ग्राहक जो है अंदर पूरा खचाखच भरा हुआ है, हर कोई बिजी ही है। इधर फोरन चढ़ा दिए हैं और अंकल जो है ग्राहक बैठा रहे हैं। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे हैं उस टाइप से अंदर जो है बैठाते जा रहे हैं। अभी जो अंदर का जो है ना बड़ा सीट फुल हो चुका है, इस लेवल का यहाँ पे भीड़ होता है। आपको दिखाते हैं, दीजिएगा कैमरा। ये देखिए अंदर का एक बार आप नज़ारा देखिए, ये देख रहे हैं पूरा सीटिंग एरिया जो है फुल है। इस हिसाब का यहाँ पे भीड़ होता है और इधर जो है मटन बन रहा है। अब इसमें जा रहा है ये प्याज। कितना? 5 केजी प्याज डाले? हाँ, 5 केजी प्याज डाले। इसी लेवल का भीड़ होता है यहाँ पे? हाँ, थक जाते हैं, टाइम होते होते थक जाते हैं तीनों। अच्छा, बाप बेटा तीनों। अच्छा, तीनों मतलब बाप बेटा, बाप बेटा है, मतलब काम करते करते थक जाते हैं, टाइम होते होते बंद कर देते हैं, स्टार्ट होते होते। सुबह कितने बजे से खाना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? खाना स्टार्ट 5 बजे दुकान खोलते हैं। हाँ, 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 8:30 बजे से खाना स्टार्ट, सारा खाना दाल भात सब्जी भुजिया। वैसे एक बार आप मटन बना लिए ना? एक मतलब मटन बना लिए, खत्म हो गया फिर? हाँ, फिर से बना रहे, फिर बन रहा। वैसे दिन भर में कितना मटन बन जाता है? कोई गारंटी नहीं है तो। हाँ, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। 20 केजी 30 केजी? हाँ, 20 में कोई गारंटी, कोई गारंटी। देख रहे हैं इधर, देखिए पूरा जो है भैया मछली लगा रहे हैं। ये कौन सा मछली होता है भैया? चिलकता। अच्छा, ये कैसे प्लेट देते हैं? 120। 120 में कितना पीस रहता है? गिनती नहीं रहता, अंदाज 120 रुपये में। अच्छा, 120 रुपया। हाँ, इधर जो है मटन के लिए पानी चढ़ा दिया गया, इसको वारिएगा क्या? नहीं, कुछ पानी धो रहे हैं। अच्छा, धोना है बस। ये देखिए फ्रेश फ्रेश आ गया मटन। कितना मटन है अंकल? 8 किलो। वैसे यहाँ पे मछली एक पीस कितना रुपया में खिलाते हैं? 30 रुपये। 30 रुपया में। और मटन का क्या रेट होता है? मटन का 45। 45 रुपया पीस। प्याज को लाल कर रहे हैं। तो मटन कब जाएगा? मटन जाएगा जब लाल नहीं होगा, जब मटन लग जाएगा। अच्छा, जब तक लाल नहीं होगा तब तक मटन नहीं जाएगा। हाँ। बता रहे हैं अंकल कि हम थक जाते हैं शाम तक काम करते करते यहाँ पे। देखिए ना, आप काम देखिएगा तब ना पता चलेगा। उस टाइम से देख रहे हैं आप बिजी ही हैं, इधर चढ़ा के चले गए थे। चढ़ा के कोयला लाने गए थे, कोयला लेकर कोयला खत्म था। कोयला खत्म, भोरे से मीट लाए, मछली लाए, मुर्गा लाए, इतना काम होने के बाद अभी कोयला लाना पड़ा। अच्छा, मतलब काफ़ी बिजी चलते हैं। हाँ, काफ़ी बिजी चलते। फिर प्याज काटे आपको सामने। तो जिनको टाइम मिलता है वो आके एक बार मटन में सामान डाल लेते हैं, फिर से चले जाते हैं काम करने। मतलब सभी कोई जो है बिजी है। तो अब इसमें गया नमक, अब ये गया लहसुन, सिर्फ लहसुन गया ना। अच्छा, ये आ गया हल्दी। मतलब यहाँ पे भीड़ होता है तो एकाएक भीड़ हो जाता है, नहीं होता है तो बैठे रहिए क्योंकि कचहरी का दुकान है।
तो जैसे आते हैं तो एक ही बार झुंड बना के आ जाते हैं 10 आदमी 5 आदमी इस तरीके। अब जा रहा है ये हल्दी के बाद मिर्च पाउडर, ये सारा मार्केट का मसाला है ना? नहीं, अपना पिसा हुआ। अच्छा, घर में रेडी करते हैं? नहीं नहीं, मार्केट से सूखा खड़ा लेते हैं उसके बाद पिसवाते हैं घर में। नहीं, मशीन में। मशीन में मतलब मिल में? अच्छा, खड़ा मसाला को तैयार करवाते हैं। अच्छा, बाजार वाला में कलर ज़्यादा होगा, खराब होगा। अच्छा, अब ये आ जा रहा है गोलकी जीरा। गोलकी और जीरा, धनिया भी डालते हैं? नहीं, धनिया मटन में नहीं। धनिया मटन में नहीं पड़ता है, बहुत कोई डालते हैं बहुत कोई नहीं डालते हैं। अब जा रहा है इसमें मटन, तो 5 मिनट तक इस मसाला को भुजा गया, उसके बाद डाला जा रहा है मटन। वैसे भैया अभी आप मटन बना रहे थे, फिर से ऑर्डर आ गया ना? कितना मछली का ऑर्डर आया अभी? ये 7 केजी का है मटन। अच्छा, तो सारा मटन जो है इसमें जा चुका है। आप कितना देर तक इसको भुजाएगा? 5 मिनट ज़्यादा। 5 मिनट? अच्छा, कितना साल हुआ इस होटल का? 25 साल। 25 साल से आप ही चला रहे हैं ये होटल? देख रहे हैं भीड़ देख रहे हैं यहाँ का, मतलब एक अलग लेवल का क्राउड है यहाँ पे खाना खाने के लिए। देखिए, मतलब देखिए 2000 रुपये खाद चला गया। अच्छा, मीट मेरा खत्म हो गया। खत्म हो गया, फिर से बन रहा है? फिर से बन रहा है। ये पतीला पूरा साफ हो गया, मटन साफ हो गया। जो भी खाना बनता है यहीं पे रखाता है? पहली जगह नहीं, बस सामने में। बस सामने में, पूरा सामने। अब इसको बारीक जो है चलाना पड़ेगा। बैठना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे देख रहे हैं तीनों मिल के इसको बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक्सपर्ट। अच्छा, इस तरीका से मटन बढ़िया बनता है? एक नंबर बनेगा, एक नंबर। वैसे आपको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मटन बनाने का। अब इसको इसमें डाल देंगे। अब इसको इसमें डाल दीजिए? अच्छा, इसमें डालेंगे तो इसमें भाप से सीझेगा जल्दी। अच्छा, इसमें मसाला वसाला मिला लिया, पकाइएगा इसमें? हाँ, इसमें तो भाप निकल जाता है तो धीरे से सीझेगा, कल मेरा गाग घुर जाएगा। अच्छा, अब जो है सारा मटन को इस कढ़ाई में से पतीला में जा रहा है डाला जा रहा है। और कितना टाइम लगेगा इस मटन को बनाने? आधा घंटा और लगेगा। अगर कढ़ाई में रहता तो 1 घंटा लग जाता। हाँ, है। प्याज पूरा गल गया है। गल गया, फिर जो जड़ी बूटी बाकी है ना वो इसमें गल जाएगा। इसमें गल जाएगा। अच्छा, शुरू से आपका होटल यहीं पे था या पहले और कहीं का? नहीं, शुरू हम अपना जमीन खरीद लिए, बना अपना जमीन हमें 45,000 का। 45,000 में? हाँ, 45,000 में 5 दुकान, इससे पूरा मेरे दुकान। सारा का सारा मटन चल गया पतीला में, अब इसमें पकेगा। इधर जो है हम लोग का मटन चढ़ा हुआ ही है, इधर अपना पैकिंग चालू है। मतलब टाइम पे जो है देना होता है ऑर्डर? टाइम पे देना है। हाँ, 1 बजे टाइम था, बज गया 1:30 बज गया, आधा घंटा लेट चल रहा है। मटन चढ़ा हुआ है, फिर से मटन का जो है ऑर्डर आ गया जी। ये कितना किलो है? 4 किलो फिर से बनेगा जी। मतलब दिन भर ये चूल्हा जलते रहता है, आप मटन बनाते रहते हैं मटन। और कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट और। 10-15 मिनट और देख रहे हैं, तब से ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहा है। हाँ, आज बनाते बनाते जो है रात हो जाएगा। हाँ, तो वही होता है ऑर्डर का। हाँ, ऑर्डर का लाइन लगा हुआ रहता है। अच्छा, मीट रहे, मछली रहे, मुर्गा रहे। अच्छा, ये भी रहे, पनीर रहे। हाँ, अभी पनीर बनना बाकी है। अच्छा, मतलब सब चीज़ का लाइन लगा हुआ रहता है। फाइनली अब हम लोगों का मटन जो है बन के रेडी हो गया। अब लास्ट में जो है फिर से डाला गया गरम मसाला। हाँ, ये बन के रेडी है। अच्छा, अब ये जो है फिर से जो है उतारा जाएगा, फिर से मटन चढ़ाया जाएगा। तो इधर देख सकते हैं पूरा जगह जो है फुल है, सभी कोई मटन, कोई मछली, सभी कोई जो है अपना लगा के खा रहा है। कैसा टेस्ट लग रहा है भैया यहाँ का? टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप मटन लगवाए हैं जी? अच्छा, वैसे पहली बार यहाँ पे आए हैं या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बराबर आते रहते हैं। बराबर आते हैं? हाँ, हम लोग का जिला है, हम लोग यहाँ बराबर आते जाते हैं। अच्छा, वैसे टेस्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया है। बहुत। आपको बाबा कैसा टेस्ट लग रहा है? आप पूरा चुस्ता ले लिए हैं? चुस्ता के ज़्यादा शौकीन है क्या? हाँ हाँ, पूरा पूरा शौकीन है। अच्छा, चुस्ता ही पसंद है आपको? तो सभी कोई जो है देख सकते हैं अपना जो है आ रहे हैं यहाँ पे, ये भैया मछली लगवाए हैं। तो जिनको जो पसंद है, इधर वेज खाना भी चल रहा है, तो
जो आपको पसंद है, जो इच्छा है, वो आप यहाँ पे लगवा के खा सकते हैं। और ग्राहकों का जो फीडबैक है, पूरा अच्छा फीडबैक मिल रहा है यहाँ पे। आप क्या खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं? मालिक से पूछिए। अच्छा, आपके मालिक मछली खा रहे हैं? यहाँ का मछली बढ़िया होता है? हाँ, बढ़िया है। तो फाइनली यहाँ पे जो है हम मछली मटन लगवा लिए हैं। और ये देखिए मटन जैसे बन के उतरा, और भूख बहुत तेज लग गया था। ये देखिए कलर वगैरह, रोगन वगैरह सही से आ गया है। और यहाँ पे जो है भीड़ हमेशा रहता ही है इसी लेवल का। जैसे जैसे बना जाता है, आते जाते हैं कस्टमर, ग्राहक लोग जो आते हैं खाते हैं। तो ये आ गया बेबी और चावल, इसको पहले टेस्ट करते हैं। काफ़ी सही सा टेस्ट लग रहा है। और अगर आपको सूखा मछली खाना है, सूखा भी खा सकते हैं। और इधर ये देख सकते हैं ग्रेवी भी दिया गया है। यहाँ पे जो है ग्राहकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया है, स्वाद लाजवाब आ रहा है। ये देखिए पीस, देख रहे हैं ज़्यादा गर्म है, इस वजह से जो है ये देखिए पूरा पीस जो है पका हुआ है। धीमी धीमी आंच पे जो है इसको ढक के पका गया था, जैसे कढ़ाई से जो है पतीला में डाल दिया गया था, उसके बाद इसको पकाया गया। भाई टेस्ट जो है ना एकदम लाजवाब। हम आपको सजेस्ट करते हैं एक बार यहाँ पे आप आइए, मटन खाइए, फिर बताइए। एकदम लाजवाब। मसाले का फ्लेवर एकदम नॉर्मल जैसा आना चाहिए उस हिसाब का है। पूरा घर के जैसा खाना लग रहा है, और खा के मज़ा भी आ रहा है। हल्का सा लेते हैं मछली का ग्रेवी। तो करते हैं इस प्लेट को साफ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह पे नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए।